सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को भारत के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और यही मेरा ये मेरा संदेश भी है पूरे देशवासियों के लिए कि बाबा साहब ने जैसे हम लोगों की लड़ाई लड़ी, जैसे दलितों की पिछड़ों की हमें जातिवाद के जंजीरों से मुक्त करवाया और हमें सब को मिलजुल कर रहने का अधिकार दिलाया, हमें उनके रास्ते पर चलना चाहिए और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। मोदी जी चल तो रहे हैं, कहेंगे सबका साथ है, सबका विकास है, दलित अब खुद को कहते हैं मैं एक दलित का बेटा हूँ, पिछड़े का बेटा हूँ। देखो, दलित कह देने से कोई दलित नहीं होता, जो दलित के साथ बीतता है उससे पूछिए। जब हाथरस में एक लड़की का रेप होता है तो मोदी जी कहाँ थे, अमित शाह जी कहाँ थे? तब तो वहाँ प्रियंका जी और राहुल जी हमारे पद यात्रा कर रहे थे, तब तो उनको पुलिस ने रोका, लाठियां मारी उन पे, तब कहाँ थे मोदी जी? बोलना और बात है, करना और बात है। आप यहीं देख लीजिए, पिछले अभी 2-3 महीने पहले हमारी एक पंजाब की पंजाबी लड़की, उसके बाल नोचे जाते हैं, उसके साथ उसका अपहरण किया जाता है, उसका रेप किया जाता है, और केजरीवाल जी भी एक शब्द नहीं बोलते। और पंजाब में बोल रहे थे हम वहाँ पे 1000 महिलाओं को देंगे, वहाँ पे वुमन एम्पावरमेंट करेंगे, आज वहाँ पे भी सरकार आई को 2 महीने हो गए हैं। संविधान विरोधी है क्या, संविधान पर नहीं चल रहे हैं क्या? देखिए, अगर ये संविधान, मुझे तो नहीं लगता ये संविधान पे चलते, ये तो डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, ये तो मोदी जी अपनी डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। बिल्कुल तानाशाह, बिल्कुल तानाशाह है, तानाशाही से ही देश चला रहे हैं। देखिए, आप किसानों की बात कर लीजिए, यहाँ मजदूरों और किसानों के कई लोग मजदूर खड़े हैं कि 700 से ज्यादा किसान मारे, उसके बाद उन्होंने कानून वापस लिया, जब लोगों ने 700 किसानों की जान, 14 महीने किसान बॉर्डर पे खड़ा रहा, तब कहाँ थे मोदी जी? मंत्री ने गाड़ी चढ़ा दी। हाँ, वो जो हमारे मिश्रा जी हैं, वो उनके अजय मिश्रा जी, टैनी मिश्रा जी, वो उनको अभी तक बर्खास्त नहीं किया, उनको लताड़ा गया, उनको टायरों के नीचे रौंद दिया गया किसानों को, तब कहाँ थे? आप मेरी बात सुनिए, ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, लेकिन जयंती तो बाबा साहब की मना रहे हैं ना। देखिए, वो तो मना के एक मनानी पड़ेगी, संविधान के निर्माण हमें इन्होंने निर्माण किया है संविधान का, बाबा साहब ने, वो मनाएंगे। फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, मजबूरी। देखो, बना रहे हैं क्योंकि वोट की राजनीति करते हैं ना, वोट की राजनीति के लिए मनाते हैं ना, मजबूरी में मनाते हैं। दिल में क्या है उनके, सावरकर है क्या? बिल्कुल है, गोट से बिल्कुल है। अगर ऐसी बात है तो आरएसएस का क्यों साथ लेते हैं ये बीजेपी वाले? आरएसएस को प्रमोट करते हैं ना। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों की आवाज उठाई है, दलितों की आवाज बुलंद की है, दलितों को ऊपर उठाया है, उनको शिक्षा देने के लिए बड़े बड़े, ये दिल्ली में हम आए हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं, मैं पंजाब से हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में बड़े बड़े स्कूल इन्होंने तो लीपापोची की है, पेंट लिया, मार दिया, स्कूल बना दे, बड़ी देश को विश्व गुरु मोदी जी बना रहे हैं, विश्व गुरु। वो तो बाद में पता चलेगा ना भाई साहब, जाके स्कूलों में जाइए, जब कोरोना था तब मोदी जी कहाँ थे? जब प्राइवेट स्कूल इतनी फीसें मांग रहे थे, बच्चों के पेरेंट्स से पूछिए, उन्होंने 14-14 महीने जो एक एक साल की फीस ली है उनसे, तब मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला भाई फीस माफ कर दो। प्राइवेटाइजेशन करे, कह रहे हैं कि जो शिक्षा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, इससे इस देश की जो शिक्षा नीति है उसको हम तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसे इस देश के अंदर देंगे। देखिए, प्राइवेट करने से अगर समाधान होता तो कब का हो जाता? मोदी जी प्राइवेट शिक्षा नहीं कर रहे, सभी प्राइवेट कर रहे हैं, एयरलाइंस बेच दिया, रेलवे बेच दी, ठीक है, ये जो NMP के था, नेशनल नेचुरल गैस, सारी उन्होंने बेच दी, देश को बेच रहे हैं, बोलते हैं क्या किया कांग्रेस ने। ये मेरे सारे भाई खड़े हैं, मैं यहाँ अम्बेडकर नगर में खड़कर बोल रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में बनाया है, बड़ी बड़ी रेलें बनाई हैं, वो ये पार्टी ने बेच रही है, 7 साल में बेचती जा रही है। और ये देखिए कितनी, ये भी बात सुनिए, बेचती जा रही है 7 साल में, इनसे अभी भी बिक नहीं रहा जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया है इन 70 सालों में, कितना दिन बेचेंगे? ये 70 साल में कांग्रेस ने बनाया, ये 7 सालों में बेच दिए, बेच रहे हैं, लगातार बेच रहे हैं, रोज बेच रहे हैं। फिर भी बेरोजगारी बढ़ रही है। देखो, बेरोजगारी तो ये कारण है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, नौकरियां नहीं दी, उसके बाद नोटबंदी की, नोटबंदी में आपको 15 लाख एकदम रोजगार चला गया, कोरोना में कम से कम आप मानिए कि लाखों की कतार में लोग बेरोजगार हुए हैं। GST लगा दिया, GST में यही मेरे भाई बहन है, मैं ही है, मेरी खुद की मदर बैंक की लाइन में लगी हुई थी, वहाँ बेहोश हो गई थी, पैसे निकाल, हमारे ही पैसे थे, लगी हुई थी लाइन में, उनको तो भाई वो तो घर पे ही पैसे मिल जाते हैं, उनको तो घर पे ही पैसे मिल जाते हैं।
वो तो फॉर्मेलिटी थी, ये दिखावा था। ये मेरी बहनें माताएं खड़ी हैं, इनसे पूछो जिनको 2000 रुपया मिलता था। ये तो जो घर बसाए किसके हैं? इंदिरा जी, हाँ, इंदिरा गांधी जी ने, राहुल गांधी। लेकिन देखा जाए तो लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव हार रही है, इसकी वजह क्या? क्या वापसी करेगी क्या कांग्रेस? बिल्कुल करेगी। कांग्रेस पार्टी ऐसी एक पूरे देश में मजबूत पार्टी है जो विपक्ष का रोल अदा कर रही है। कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी, सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। जहां कांग्रेस मजबूत है वहां आम आदमी पार्टी मजबूती से आ रही है, तो इसकी क्या वजह है? देखो, ये बिल्कुल, आपको ये बात एक बार और बता देना चाहता हूँ। ये जो है, ये अपनी आम आदमी पार्टी, इनकी बी टीम है। ये जहाँ इनको कांग्रेस लगता है कमजोर है, इसको भेज देते हैं वहां पे। इन्होंने पंजाब में बीजेपी को एक सीट आई है भाई, वहां पे क्या, जहां पे तो सारी एमपी की सीट जीते हैं वहां पे इन्होंने जोर ही लगाया, सिर्फ दिखावा किया है। अब देख लीजिए, अब नई बात सुन लीजिए, हमारे पंजाब में जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो गैर पंजाबी लगा दिए हैं हमारे। अब वहां पे अब इंटरफेरेंस शुरू हो गई है। चंडीगढ़ में हमारे सेंट्रल सर्विस रूल लगा दिया है, हमारा बॉर्डर 50 किलोमीटर पंजाब का दायरा बढ़ा दिया है। क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब अंबेडकर के इस मौके? देखिए, मेरा तो यही संदेश है सबसे, कि हमारा सबसे बड़ा जो धर्म है वो इंसानियत धर्म है। ये जात पात है, जो उन्होंने जात पात को तोड़ा है। जात पात इंसान की बनाई हुई है, भगवान किसी को किसी जात में पैदा नहीं करता। जात पात हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, हमें अपनी जो जात है उसमें जात की, हमें उसमें बढ़ते हैं पलते हैं, पर हमारी जो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ी जात है, वो हमारी इंसान है। हमें सबका सत्कार करना चाहिए, प्यार से भावना से रहना चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। 200 साल पीछे चला गया, जैसे हमारा देश पहले गुलाम हुआ करता था अंग्रेजों का, आज जैसे हमारा देश 200 साल पहले अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, आज हमारा देश महंगाई का, बेरोजगारी का गुलाम है। हमें रोजगार, बिल्कुल हमें रोजगार नहीं मिलता। इनके जो चंद मुट्ठी भर जो इनके मित्र है ना, उद्योगपति मित्र, उनको ही सारा कुछ मिल रहा है। कोई एक आदमी जो देखिए, आपकी मैं एक आपको बात बताना चाहता हूँ, जो तो 75,000 करोड़ रुपये लेके पीएनबी के घोटाला करके, ठीक है, वो नरेंद्र भाई मोदी थे, वो मोदी साहब, ठीक है, चाहे वो हमारे, हाँ वो हो, चाहे जो विजय माल्या जी हो, वो तो भाग जाते हैं। और अगर एक गरीब आदमी अपना मकान बनाता है, कोई आवाज उठाता है, उस पर बुलडोजर चला देते हैं। आप मानते हो ये मोदी जी ने भगाया इनको, पकड़ लेते हैं। इनकी सरकार थी, ये क्या चुप्पी मुंह में, ये क्या दही जमाए बैठे थे, इनके इनमें पावर ही थी, होम मिनिस्ट्री इनके पास थी, कैसे चला जाएगा कोई? मतलब गुजरात से आते हैं तो मोदी जी के सब सगे सब बंदी हैं। बिल्कुल। और बता दीजिए, कोई पंजाब से तो भागा नहीं, कोई हिमाचल से तो भागा नहीं, कोई जम्मू कश्मीर से तो भाग नहीं सकता। गुजरात वाले भाग जाते हैं, वहाँ पे ही बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े जहाज नशे के पकड़े जाते हैं। और वह पंजाब में कोई एक थोड़ा सा नशा, उसको ये बोल देते हैं, वहाँ उठता पंजाब बोलते हैं, यहाँ बड़े बड़े समुद्र करते हैं वोट के लिए, कहीं करते हैं पंजाब को बदनाम, पंजाब को बदनाम किया जा रहा है। और मेरी यही विनती है मोदी जी से, पहले हम गुलाम थे अंग्रेजों के, अब आपके गुलाम है, आपके चंद मित्रों के गुलाम है, महंगाई के गुलाम है, बेरोजगारी के गुलाम है। जंजीरें कैसे टूटेंगी? ये रोजगार दें, महंगाई कम करें, ये महिलाएं ये बहनें तभी खड़ी हैं। आज इन्होंने पहले नोटबंदी करके 500 का नोट बंद कर दिया। आप समझते हो कि बदलाव की जरूरत है? बिल्कुल, बदलाव की सरकार बदलनी चाहिए। बिल्कुल, लोगों को ये मेरी विनती है कि आपने इनको देखा है कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है, आप बदलिए, नई सरकार लाइए और नई सरकार महंगाई कम करेगी। नोटबंदी करके 500 का नोट बंद कर दिया और 2000 का ले आए, वो 2000 का नोट भी चुटकी में उड़ जाता है मार्केट में। वो 2000 का नोट उड़ाना था इन्हें मार्केट में, लेके जाइए मार्केट में 2000, 1000 का गैस आ जाएगा, 200 का तेल ले आइए, पेट्रोल डलवा लिए 100 होगा, पर 1600 लग गया, 400 रुपए का सब्जी लेने जाएंगे उड़ गया 2000 का नोट, वो चला गया। बिल्कुल, वो 2000 का नोट जो नोटबंदी से लाए थे इनके मित्रों की जेब में जा रहा है, लेके जाइए 2000। मेरी विनती, आप 2000 लेके यहाँ घर से निकलिए, 200 का पेट्रोल डलवाएंगे और गैस बरानी पड़ जाएगी, उसके बाद सब्जी लेंगे, नींबू लेंगे, उड़ जाएगा 2000 का नोट।